तो बीते चार महीनों से जारी गाजा में आईडीएफ का मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी वक्त थम सकता है, क्योंकि जल्द ही गाजा पर आईडीएफ का कंट्रोल होने वाला है। गाजा से हमास का दी एंड होने वाला है और इजरायली प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू का प्राण पूरा होने वाला है। जी हां, बीते 48 घंटों से इजरायली सेना गाजा पर जबरदस्त हमला कर रही है और जानते हैं क्यों। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा यह है कि इजरायली सेना अपने विजय अभियान से बस कुछ कदम ही दूर है और ये जल्द ही इसके लिए अमेरिका ने अब नए विनाशकों की खेप भी इजरायल को भेजने का ऐलान कर दिया है। तो सवाल है कि क्या गाजा का युद्ध अब आखिरी फेज में पहुंच गया है। आप देखिए, אנחנו נמצאים בתוך המטה הראשי של אונר"א ברצועת עזה. गाजा का गदर हर नए दिन के साथ विध्वंसक और विनाशक होता जा रहा है, क्योंकि हमास के खात्मे के लिए इसराइल ने अपने बारूदी जखीरे खोल दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैले गाजा पट्टी का कोना कोना बारूद से सन चुका है। वैसे तो इसराइल और हमास के बीच युद्ध बीते चार महीनों से जारी है, मगर बीती रात इसराइल के बारूदी प्रहार ने हमास के होश फाख्ता कर दिए, क्योंकि आईडीएफ ने आसमान से इतना बारूद बरसाया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी हां, बीती रात इजरायली सेना ने गाजा से लेकर वेस्ट बैंक तक ताबड़तोड़ हमले किए। आईडीएफ ने गाजा में यूएनआरडब्ल्यूए के हेडक्वार्टर पर धावा बोला। यूएनआरडब्ल्यूए हेडक्वार्टर के नीचे हमास की सुरंग मौजूद थी। हमास की 700 मीटर लंबी सुरंग भी आईडीएफ ने तबाह की। खान यूनिस और राफा क्रॉसिंग पर भी भीषण बमबारी की। बीते 24 घंटे में आईडीएफ ने 100 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजा पट्टी में मौजूद हमास के तमाम ठिकानों को इसराइल के लड़ाकू विमानों ने चुन चुन कर निशाना बनाया। हमास के तमाम सेंटर्स और इमारतों को नेस्त नाबूद किया गया, और सिर्फ गाजा पट्टी में ही नहीं बल्कि बीती रात गाजा पट्टी के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी जबरदस्त बमबारी की गई। इसराइली ट्रूप्स ने वेस्ट बैंक के जैनन शहर और दक्षिणी गाजा के राफा इलाके को आसमानी प्रहार में धुआं धुआं कर दिया। दरअसल आईडीएफ की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि इसराइल का गाजा विजय अभियान जल्द ही पूरा होने वाला है। गाजा में छिपकर बैठे हमास का अंत भी होने वाला है। बस अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए नेतन्याहू ने आईडीएफ को फ्री हैंड दिया, ताकि गाजा के कोने कोने को दहलाकर इसराइली सेना जल्द ही गाजा पर कंट्रोल करे और गाजा को हमास से मुक्त कर मिलिट्री ऑपरेशन को खत्म करे। आपको बता दें कि पहली बार इसराइल ने गाजा से वेस्ट बैंक तक फुल फ्लेज्ड हमला किया, वो भी सॉलिड प्लानिंग और तैयारी के साथ। जानते हैं गाजा पट्टी से लेकर वेस्ट बैंक तक इसराइल की सेना ने किन विध्वंसकों का इस्तेमाल किया। मसलन इसराइल का पहला लड़ाका F-15C बाज लड़ाकू विमान, इसराइल का दूसरा लड़ाका F-15I राम फाइटर जेट, इसराइल का तीसरा लड़ाका F-16I सोफा लड़ाकू विमान, इसराइल का चौथा लड़ाका F-35 आदर स्टेल्थ फाइटर, इसराइल का पांचवा लड़ाका M-270 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर। हैरानी इस बात की है कि गाजा पर इसराइल के विस्फोटक हमलों से पूरे अरब वर्ल्ड में कोहराम मचा हुआ है। अरब के कई देश इसराइल के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। नेतन्याहू की घेराबंदी की जा रही है। ईरानी समर्थित प्रॉक्सी संगठन भी इसराइल पर हमले कर रहे हैं। बावजूद इसके इसराइल के आक्रामक तेवर बरकरार है। गाजा पर प्रचंड हमले जारी है और हमास का दी एंड करने के लिए मिलिट्री ऑपरेशन भी चरम पर है।
मगर इसी बीच दावा यह भी किया जा रहा है कि जल्द ही इसराइल पहले से ज्यादा खतरनाक हमले करेगा और वो भी विध्वंसक हथियारों के साथ। दरअसल यूएस ने इसराइल को 85 करोड़ के सैन्य पैकेज का ऐलान किया। पेंटागन की तरफ से नए हथियारों की खेप इसराइल को मिलेगी, जिनमें MK-82 बम और JDM स्मार्ट बम की खेप शामिल है। इसके अलावा अमेरिका अनगाइडेड बम भी इसराइल को भेजेगा। इन विनाशकारी बमों को लड़ाकू विमान और एयरक्राफ्ट के जरिए दागा जा सकता है। मतलब ये कि अगले कुछ दिनों तक गाजा पर भीषण बमबारी होगी, आसमान से प्रचंड प्रहार होगा ताकि गाजा को पूर्ण रूप से तहस नहस किया जा सके, गाजा में मौजूद हमास की अंडरग्राउंड सिटी यानी टनल नेटवर्क को नेस्त नाबूद किया जा सके। भले ही गाजा का अंत और हमास का संपूर्ण खात्मा करने की सौगंध नेतन्याहू ने खाई हो, मगर हर नए दिन के साथ गाजा का युद्ध नेतन्याहू के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है, क्योंकि बीते 4 महीनों से जंग जारी है और ये कब खत्म होगी फिलहाल इस पर सस्पेंस है। वहीं जंग के विस्तार के चलते इसराइल में नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ चुका है, क्योंकि अब तक 100 से ज्यादा बंधक हमास के चंगुल में फंसे हैं। इसी बीच जंग में कई इजरायली सैनिकों की भी मौत हो रही है। ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि अगर नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा यूं ही बरकरार रहा तो वो गाजा जीत जाने के बाद भी अपने मुल्क में अपने ही लोगों से हार जाएंगे। कयास तो ये तक लगाए जा रहे हैं कि गाजा विजय के साथ ही नेतन्याहू सरकार का पैकअप भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।